सो दोस्तों, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम आप लोगों का अब बस कल ही होना है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कल ही होना है 11 तारीख में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका है 12 में और 15 में। सो अब ऐसे में बहुत कम समय आपके पास बचा है, और बहुत कम समय में क्या करना है ज़रा इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा एक बार, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, बहुत फ़ायदा आपका हो सकता है। दूसरी बात, आपका दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं रहेगी कि मुझे करना क्या है लास्ट टाइम पर, जो मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही कर लेना अब, क्योंकि इससे ज़्यादा अब आप चाह करके भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। तो मैं आपको अपनी खुद की 3 प्लेलिस्ट बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए, आप हमारे उन 3 प्लेलिस्ट को ही पढ़ें फिलहाल, चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग ली है, चाहे आपने कुछ भी किया है, फिलहाल आप इन 3 प्लेलिस्ट को पढ़ें, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। अब वो 3 प्लेलिस्ट कौन कौन सी हैं जरा मैं आपको बता दूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर के बैठा हुआ हूँ प्लेलिस्ट। पहली प्लेलिस्ट है हमारी आपके सामने, ये जो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, सेट वाइज वोकैब फ्रॉम एमबी। यस, इसके अंदर हमने एमबी बुक से वोकैब कराई है, 2019 के और 2018 के सेट इसके अंदर हैं, 61 वीडियोस इसके अंदर पड़ी हुई हैं सेट वन सेट के हिसाब से। लाइक पहले 2019 के सेट कराए हैं, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, सेट के अंदर जितनी भी वोकैबलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, वो सब हमने इसके अंदर कवर किया है। यानी कि मैं आपको पहले भी कैमरा बोल चुका हूँ कि वोकैबलरी कभी भी आपकी एसएससी की, ऐसा नहीं हो सकता कि न्यू वोकैबलरी आ जाए, यानी कि सब के सब प्रीवियस ईयर्स में ही रहेगी। तो प्रीवियस ईयर्स की वोकैबलरी आपके सामने है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को खोल के सिर्फ सुनना है और ना लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगा करके बस शुरू हो जाइए आज से, अभी से ही जितनी देख सकते हो उतनी देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 61 के 61 देख लीजिएगा, जितनी देख सकते हो उतनी देख लीजिएगा। दूसरी प्लेलिस्ट आपके सामने 100 क्लोज टेस्ट सीरीज की, लास्ट टाइम पर अब इसको रिविजन करना शुरू कर दीजिए आप लोग, इन वीडियो को सिर्फ सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पे 48 वीडियो है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, बहुत आराम से, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 मिनट से पर कोई वीडियो नहीं है इसके अंदर, शुरू के 3 वीडियो को छोड़कर के आप सारी वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा, बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम पर आप इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 15 नंबर की वोकैबुलरी, 20 नंबर का क्लोज टेस्ट, 35 नंबर का पोर्शन आपके सामने तैयार है, अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तीसरी प्लेलिस्ट है आपके पास में अमीरर ऑफ कॉमन एरर की, यानी कि आपका ग्रामर पोर्शन यहाँ तैयार हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो, मिरर बुक स्टार्टिंग फ्रॉम सेट 1 to 163। ये प्लेलिस्ट आप जाके देखिएगा, आपको डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ग्रामर आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसकी दूसरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें 164 से लेकर के एंडिंग तक के सेट हैं, आप चाहें तो वो देख लीजिएगा, दोनों में से कोई सी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, जो भी देखनी हो, लेकिन मिरर की ही देखेगा और कोई प्लेलिस्ट हमारी मत देखेगा। ये 3 प्लेलिस्ट आपको इन एग्जाम से पहले देखनी है फिलहाल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको इंग्लिश में, ना अपनी तरफ से कुछ करना है, ना किसी की और की तरफ से कुछ करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। आपका 25 नंबर का ग्रामर पोर्शन, 20 नंबर का क्लोज टेस्ट पोर्शन, 15 नंबर की आपके वोकैबुलरी पोर्शन, 60 मार्क्स का पोर्शन आपके सामने है, बहुत शानदार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग अपना आप कर ही लेते हैं 20 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स का पोर्शन आपके हाथ में रहेगा, पैसेज आप लोग कर ही लेंगे। तो गाइस, ये पोर्शन आप लोगों को करना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम अब कल ही है आपका, बहुत कुछ आपको ऐसे नहीं कि बहुत कुछ छूट जाएगा आपका या बहुत ज़्यादा कर लेंगे आप लोग, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है कल वालों को, तो कम से कम कल वाले तो जितना हो सकता है उतना कर लें, जितना नहीं हो सकता अपने चैन के नहीं लीजिए, सोइए आराम से, अपना आराम से उठिएगा, माता रानी का नाम लीजिए करके अपना पेपर देने जाइएगा। परसों वाले बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी 15 वाले हैं जिनको, वो तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। कल के पेपर के बाद में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँगा कि किस तरह के पेपर आपका रहा और किस तरह का आपको और फोकस बनाना है। सो फिलहाल कीजिए अपनी तैयारी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।